दोस्तों, आपने बैंगन से बनी बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रहा हूँ उसको शायद ही आपने कभी खाया होगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो यकीन मानिए बैंगन के इस रेसिपी को आप बार बार बनाना शुरू कर देंगे। इस रेसिपी का नाम मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ बैंगन लिए हैं, प्याज, और ये रहा लहसुन, और ये हमने लिए हैं कुछ सरसों के दाने, जो कि इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं, और ये कुछ कटी हुई हरी मिर्च। अब यहाँ पर हम बैंगन को छोड़ के सभी को मिक्सी में ऐड करके इसको पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके बाद मसाले में हमने कुछ स्वादानुसार नमक लिया है, यहाँ पर ये गर्म मसाला, धनिया पाउडर, और ये कुछ हल्दी। अब यहाँ पर हमने नमक के साथ सभी मसाले को पानी में ऐड कर दिया है और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे पानी में ही। इधर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई, कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और थोड़ी देर तक हम इस तेल को गर्म करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, तेल जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पचफोड़ना और थोड़ा सा जीरा, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो पेस्ट तैयार किया था प्याज, लहसुन, सरसों और हरी मिर्च का, उस पेस्ट को अब इसको बढ़िया तरीके से छलने से पहले चलाना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जिसको हमने पानी में फुलाया था, और मसाला ऐड करने के बाद हम इसको फिर से चलाएंगे छलनी को, और इसे हम तब तक चलाते ही रहेंगे जब तक कि मसाला जो है अच्छे से फ्राई ना हो जाए। और जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो सारे मसाले को आपने कढ़ाई से निकाल के ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर अब हम जो चीज़ बना रहे हैं आज, उसके स्टाइल में ही बैंगन को काट लेंगे। देख लीजिए आप, इस तरीके से बिल्कुल बैंगन को तीन टुकड़े में बांटना है अगर बड़ा है तो, और इसको बीच से इस तरह से काट देना है। पूरा हमने नहीं काटा है, बस थोड़ा सा ही काटा है, ये देख लीजिए इस तरीके से आपको काटना है। अब इस बैंगन को हम एक बार फिर से वॉश करेंगे अच्छे से। वॉश करने के बाद अब देखिए, अब इसमें जो है मसाला ऐड किया जाएगा जो हमने फ्राई किया था। इस तरीके से आपको भी मसाले इसमें ऐड करने हैं, तभी बैंगन में इसी तरह से मसाला भर लीजिएगा आप। और ये देखिए, हमने सभी बैंगन के पेट में मसाला भर दिया अच्छे से। और अब हम कढ़ाई में फिर से डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसको हम गर्म होने देते हैं कुछ देर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला भरे हुए बैंगन को। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि इसको पलटाने के बाद हमको एक बार फिर से नमक इस पर छिड़कना है, उसी हिसाब से हमने इसमें नमक ऐड करनी है। और इसको अब ढक देना है। ये देखिए, बैंगन जो है नीचे से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको पलटाएंगे, ऊपर वाले पार्ट को नीचे करेंगे और नीचे वाले पार्ट को ऊपर करेंगे। और इसके ऊपर से हम फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर से हम इसे ढक देंगे। और ये देखिए, फाइनली हमारा जो बैंगन का भरता है वो बनके तैयार हो चुका है। जी हाँ, इसका नाम है बैंगन का भरता। हमारी तरफ इसे भरता ही कहा जाता है। भरता आपने अलग अलग स्टाइल में बनते हुए देखा होगा, लेकिन हमारी तरफ जो है मिथिलांचल में इसी तरीके से बैंगन का भरता बनाया जाता है। तो आप लोग भी एक बार अपने घर पे इस रेसिपी के साथ इस भरते को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फूड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।